आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ जियो डाइव। जी हाँ, जियो ने लॉन्च कर दिया है अपना वीआर हेडसेट, वो भी आईपीएल देखने के लिए। मैं इसका होनेस्ट रिव्यू करने वाला हूँ और इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। साथ में मैं बताने वाला हूँ आपको कि ये जियो डाइव आपको कैसी क्वालिटी मिलती है, इसके अगर आप काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं तो आपको क्या साइड इफ़ेक्ट फील होते हैं, साथ में इसकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो हमें कैसी देखने को मिलती है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग YouTube पे वीडियो बना रहे हैं कि काफ़ी बेस्ट ये VR हेडसेट है, काफ़ी एक प्रीमियम निकाला है जियो ने, IPL देख सकते हो। ये सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं कि आपको एक्चुअल में ही ये VR हेडसेट उस लेवल की वीडियो क्वालिटी दे पाता है या नहीं दे पाता है। IPL देखने का जो मज़ा है वो इस VR हेडसेट में एक्चुअल में मिलता है या नहीं मिलता, सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फटाफट से हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। काफ़ी एक अट्रैक्टिव सा इसका बॉक्स बनाया गया है, 360 VR एक्सपीरियंस वगैरह ये सब काफ़ी इसमें भर भर के प्रमोशन किया गया है इस VR हेडसेट का। तो सबसे पहले आपको यूजर मैनुअल और क्लीनिंग के लिए आपको ब्लैक कलर का एक कपड़ा देखने को मिलता है, जिसपे भी जियो की ब्रांडिंग इसमें दी गई है, तो ये काफ़ी एक अच्छा लगा है। साथ में ही ये हमारा मेन डिवाइस आपको देखने को मिलता है, काफ़ी दिखने में तो काफ़ी प्रीमियम सा फील होता है। आगे की साइड ग्लॉसी डिजाइन दिया गया है, इसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह के निशान काफ़ी आपको देखने को मिलते हैं। साथ में ही इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी एक अच्छी सी लगी है मेरे को। जो ओवरव्यू की मैं बात करता हूँ तो इसमें आपको दो व्हील्स देखने को मिलते हैं जो फोकल लेंथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में बीच में भी इसमें एक व्हील देखने को मिलता है जो इन दोनों ही ग्लासेस की डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। नीचे की साइड इसमें एक बटन दिया गया है जिससे आप अपने स्मार्टफोन को ऑपरेट कर पाएंगे इसी स्विच की वजह से, पॉज प्ले एंड रिवर्स वाले ये सारे ही इसमें आप कर सकते हैं। साथ में इसकी जो कंफर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी एक अच्छे से ये इसके कुशन्स वगैरह दिए गए हैं, अगर आप काफ़ी देर तक भी इसको यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर आपको ये यूज करना है तो इसमें आपको अपने स्मार्टफोन में जियो इमर्स डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप, तभी आप इस VR को हेडसेट को आप यूज कर सकते हैं IPL देखने के लिए। साथ में इसमें 6.7 इंच तक के स्मार्टफोन को ये सपोर्ट करता है, यहाँ से आप अपने स्मार्टफोन को डाल सकते हैं और अपना जो VR का एक्सपीरियंस है वो आप ले सकते हैं। मैं अभी बात करता हूँ इसके एक्सपीरियंस की, तो मैं फटाफट से अपने स्मार्टफोन पे IPL लगा लेता हूँ। इसके लिए आपको जियो इमर्स को डाउनलोड करना है और साथ में अपना जो जियो का नंबर है वो उसी से आपको लॉगिन करना है। अगर आपको अदर कोई भी नंबर है तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। अभी मैं फटाफट से इसको डाल लेता हूँ स्मार्टफोन। ये डालने के बाद मैं इसको अगर यूज करता हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा फोकल लेंथ वगैरह आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और इसमें आपको लगभग 100 इंच तक की आपको एक स्क्रीन देखने को मिलती है। साथ में ही इसमें एक नेविगेशन के लिए आपको नीचे की साइड एक बटन दे दिया गया है। अगर मैं इसमें क्वालिटी की बात करता हूँ तो इसमें ज़्यादा कुछ एकदम क्लियर दिखाई नहीं देता है, काफ़ी एक नॉर्मल सी इसकी क्वालिटी में हमें देखने को मिलती है। साथ में इसमें एक वाइट कलर की बिंदु भी आती है जिससे आप इसमें स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको नीचे बटन दबाने पे आप इसमें यूज कर सकते हैं। साथ में स्टेडियम कैमरा, मेन कैमरा ये सारे ही इसमें यूज कर सकते हैं, स्टैम्प कैमरा भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, तो वो काफ़ी एक बेस्ट ऑप्शन लगा है। आप देख सकते हैं काफ़ी एक अच्छे से मतलब दिखाई देता है ये मैच, बट इसमें क्वालिटी जो वीडियो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल भी अच्छी हमें देखने को नहीं मिलती है। इसमें 360 व्यू वाला भी एक ऑप्शन निकल के आता है, आपको एक्चुअल में ही 360 व्यू में फील होता है कि आप स्टेडियम में बैठे हैं और लाइव मैच देख रहे हैं। जितने भी कैमरा वगैरह लगे हुए हैं स्टेडियम में, जो भी रोबोट्स वगैरह या रोबोट कैमरा जो लगे हुए हैं वो सारे ही आप इसमें देख सकते हैं, तो ये काफ़ी एक अच्छा मेरे को फील हुआ है। बट इसकी थोड़ी सी अगर वीडियो क्वालिटी और बेटर निकल के आती तो काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था ये जियो ड्राइव। तो आपने देखा ये साइड बाय साइड की कैसी हमें वीडियो क्वालिटी देखने को मिलती है, 360 व्यू हमें इसमें देखने को मिलता है।
सारे आईपीएल में आपको ये 360 व्यू वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, किसी किसी आईपीएल मैचेस में आपको 360 व्यू देखने को मिलता है, बट 360 वाला मेरे को ज्यादा क्लियर नहीं दिखाई दिया है। बाकी अगर आप ग्लासेस वगैरह यूज करते हैं तो उनको हटा के ही आपको ये यूज करना होगा, ज्यादा देर तक आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि सर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना बहुत जल्दी इसमें फील हो जाता है, ज्यादा कंफर्टेबल सा फील नहीं हुआ है इसमें। तो यही थी दोस्तों हमारी ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।